Hello, hi, all the wonderful people watching my YouTube channel Pooja Upadhyay All in One right now. और दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है. आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने जा रही हूँ हनुमानगढ़ी, हनुमान धाम के नाम से भी जाने जाने वाला हनुमान जी का सुप्रसिद्ध मंदिर, जो कि नैनीताल मॉल रोड, दल्ली ताल मॉल रोड से सिर्फ 3 से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. देखिए दोस्तों, ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, यहीं से डायरेक्ट एंट्री है मंदिर की ओर. और बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं, यहाँ पर 2 बैनर लगे हुए हैं, एक इंग्लिश में और हिंदी में. और उसके जस्ट अपोजिट साइड में बाबा नीम करोली की बहुत बड़ी तस्वीर है, क्योंकि ये मंदिर नीम करोली बाबा द्वारा ही स्थापित किया गया है 1952 के आसपास, इसलिए उनकी यहाँ पे फोटो लगाई गई है. और ये दोनों बैनर्स में उनकी शक्तियों के बारे में और मंदिर की स्थापना के पीछे की कहानी लिखी गई है. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है, इसमें एंट्री, मंदिर में एंट्री करने के जो रूल्स रेगुलेशन है वो बताए गए हैं. जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर फोटोशूट और वीडियोग्राफी बिल्कुल निषेध है. सामने ही दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हनुमान जी की बहुत विशालकाय प्रतिमा है, श्री रामचंद्र सीता मैया की भी बहुत सुंदर प्रतिमाएं हैं, शिव भगवान की. और अंदर एक बहुत ही भव्य और बहुत ही बड़ा आकर्षक भजन केंद्र है, जहाँ पर प्रतिदिन मंगलवार और शनिवार के दिन 5 बजे, शाम के 5 बजे से 9 बजे तक सुंदरकांड, राम का नाम का जाप और भजन होते हैं. तो क्योंकि हम मंगलवार के दिन गए, इसलिए आप सुन सकते हैं जो श्री रामचंद्र की जो नाम जाप की जो ध्वनि चल रही है, ये लगातार यहाँ पर चलती रहती है. भक्तगण आते हैं और एक स्वर में कीर्तन और भजन यहाँ पर चलता है. तो दोस्तों, इस तरीके से नैनीताल का सफ़र करने के बाद आते समय हनुमानगढ़ी, हनुमान जी के दर्शन करने के बाद और लगभग रात के 8 बज रहे हैं और हम घर की ओर निकल रहे हैं, हल्दू चौड़ की ओर. यहाँ से लगभग कम से कम 1 से 2 घंटे का रास्ता है हल्दू चौड़ का. मिलते हैं जल्द ही. बाय एवरीवन, टेक केयर.